नागरिकता कानून 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA में तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के नियम आसान बनाए गए हैं। ये तीन देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। बेशक इन देशों से भारत में काफी शरणार्थी आते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत में शरणार्थियों के मामले में शीर्ष तीन में आता हो। तो फिर वो कौन से देश हैं जहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी भारत आते हैं? भारत में उन देशों के शरणार्थी की संख्या कितनी है? शरणार्थियों की संख्या के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? ये पाकिस्तान से ज्यादा है या कम? भारत के सबसे ज्यादा शरणार्थी किस देश में है? कौन कहलाते हैं शरणार्थी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किसे कहते हैं शरणार्थी। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय यानी UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के अनुसार शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध, हिंसा या किसी तरह की प्रताड़ना जैसे कारणों से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन शरणार्थी का दर्जा मिलने की भी प्रक्रिया होती है। ये दर्जा पाने के लिए दूसरे देशों में पनाह मांगने वाले लोगों को शरणार्थी की परिभाषा में बताए कारणों को सिद्ध करना होता है। इसके लिए पनाह मांगने वाले यानी असाइलम सीकर लोग उस देश की सरकार के पास आश्रय पाने का आवेदन करते हैं। जब तक उनका आवेदन स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक उन्हें शरणार्थी का दर्जा भी नहीं मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा शरणार्थी किन देशों के लोग हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि दुनिया भर में भारत के कितने शरणार्थी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सीरिया का आता है। सीरिया के पूरी दुनिया में 63,24,551 शरणार्थी हैं। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है, तीसरे नंबर पर दक्षिणी सूडान, चौथे नंबर पर म्यांमार, पांचवें नंबर पर सोमालिया और छठे नंबर पर खुद हमारा देश भारत है। आइए नजर डालते हैं इस लिस्ट पर। इस लिस्ट में दुनिया भर में भारत के शरणार्थियों की संख्या भले ही 9,601 हो, लेकिन करीब 52,000 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग देशों में आश्रय के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा भारतीय उत्तरी अमेरिका में शरण लेते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर कनाडा का नाम आता है। अमेरिका में भारतीय शरणार्थियों की संख्या 6,110 है और कनाडा में भारतीय शरणार्थियों की संख्या 1,457 है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया में दूसरे देशों के लोगों को शरण देने के मामले में भारत और पाकिस्तान किस स्थान पर है। तुर्की में सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं। यहाँ दूसरे देश के 36,81,685 लोग हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। यहाँ दूसरे देशों के 14,04,019 लोग रहते हैं। आइए डालते हैं इस लिस्ट पर एक नजर। आंकड़े बताते हैं कि अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो भारत में शरणार्थियों का बोझ अन्य की तुलना में थोड़ा कम है। अब आपको बताते हैं कि किस देश से सबसे ज्यादा लोग भारत में शरण लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि CAA के अंतर्गत जिन देशों के अल्पसंख्यकों को शरण देने की बात की गई है, उन देशों के अल्पसंख्यकों की भारत में गिनती बहुत ही कम है। हमारे देश में सबसे ज्यादा शरणार्थी चीन से हैं। इनकी संख्या 1,08,008 है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका है और इन शरणार्थियों की संख्या 60,802 है। और तीसरे नंबर पर म्यांमार है और यहाँ से आए हुए शरणार्थियों की संख्या 18,813 है। अमर उजाला.com